हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसी ज़बरदस्त मिठाई की रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे आप आपके त्योहारों में मेहमानों को भी गिफ्ट कर सकते हैं। यह बहुत ही महंगी मिठाई जैसे ही बनेगी, जिसमें ना तो आपको खोआ लगेगा, ना ही दूध लगेगा, ना ही चीनी लगेगी और ना ही इसमें घी लगेगा। बहुत आसान है बनाना, लेकिन टेस्ट बहुत ही लाजवाब है। तो चलिए इस रेसिपी को देख लेते हैं। तो इस मिठाई को बनाने के लिए हमने यहाँ पर आधा किलो सीडलेस डेट्स लिए हैं, मतलब बिना बीज वाले खजूर। बाजार में बहुत आसानी से ये मिल जाते हैं। अगर सीड वाले लेंगे तो आपको निकालने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब इसमें डालेंगे आधा कप गर्म पानी, क्योंकि हमें खजूर को थोड़ा सा सॉफ्ट करना है, तो इसे 1 से 1.5 घंटे के लिए रख देंगे। जैसे 1 से 1.5 घंटा होगा, देखिए खजूर सॉफ्ट हो चुके हैं और अब हम इसे ग्राइंड करेंगे। ग्राइंड करते वक्त आपको वही गर्म पानी डालकर इसे ग्राइंड कर लेना है, और अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो तो आप थोड़ा पानी और डालकर इसे अच्छा स्मूथ पेस्ट होने तक ग्राइंड करना है। तो सारे खजूर हमने पीस लिए हैं। अब हमें लेना है एक पैन। हमने यहाँ पर नॉन स्टिक पैन लिया है, इसमें हम ये खजूर की पेस्ट डालेंगे। आप देख सकते हैं हमने पैन में बिल्कुल भी बटर या घी नहीं डाला है। साथ ही इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा रेड फूड कलर, क्योंकि आज हम जो मिठाई बना रहे हैं बिल्कुल बाजार जैसी महंगी मिठाई जैसे ही बना रहे हैं, इसके लिए हमने इसमें रेड फूड कलर डाला है। अगर आपको कलर नहीं डालना है तो आप ग्राइंड करते वक्त बीटरूट का जूस डाल सकते हैं, और अगर वो भी नहीं डालना है तो आप इन दोनों को स्किप कर सकते हैं। अब कलर डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे कुक करेंगे। देखिए यहाँ पर इस मिठाई को बनाने के लिए हमें ज़्यादा कोई सामग्री की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन इसे पकाने के लिए आपको लगभग 15 से 20 मिनट लग जाएंगे। ये देखिए हम इसे अच्छे से मिक्स कर रहे हैं, और अब हम इसमें ज़्यादा अच्छा टेस्ट आए, मतलब इसमें थोड़ी सी रिचनेस आए, इसके लिए हम इसमें डालेंगे आधा कप मिल्क पाउडर। लेकिन अगर आपको मिल्क पाउडर नहीं डालना है तो बिना मिल्क पाउडर के भी आप ये मिठाई बना सकते हैं। साथ ही इसमें डालेंगे हम 1 टेबल स्पून बटर। जी हाँ, आज हम घी नहीं बटर डाल रहे हैं। वो क्यों डाल रहे हैं आगे बताते हैं। साथ ही इसमें डालेंगे हम 1 टीस्पून कार्डमम पाउडर, मीन्स इलायची का पाउडर। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए यहाँ पर आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं बटर की जगह, लेकिन मिठाई में अगर आप एक चुटकी नमक डाल देते हैं तो मिठाई का टेस्ट कई गुना बढ़ जाता है। लेकिन बटर इस्तेमाल करने की वजह यही है कि बटर थोड़ा सा सॉल्टी होता है, तो इसमें आपको नमक डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और जिनके पास घी नहीं है वो बटर भी डाल सकते हैं। तो आप यहाँ पर घी भी डाल सकते हैं, बटर भी डाल सकते हैं, आपकी इच्छा है। लेकिन जैसे हम इसमें कोई थोड़ी सी बटर या घी डालेंगे तो इसमें एक शाइन आती है, जिससे मिठाई बहुत ही टेस्टी और अच्छी दिखती है। तो जैसे जैसे हम इसे पका रहे हैं, आप देख सकते हैं ये पैन छोड़ने लगा है, और आपको कब तक पकाना है ये भी हम आपको आगे बताएंगे। तो देखिए अब जो मिठाई का मिश्रण है वो धीरे धीरे पैन को छोड़ने लगा है। अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून के करीब कटे हुए ड्राई फ्रूट्स। यहाँ पर आप इसे भी स्किप कर सकते हैं, लेकिन डालने से इसमें एक क्रंची टेस्ट आता है जो मिठाई का टेस्ट कई गुना बढ़ा देता है। और साथ ही हम इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून नारियल का बुरादा। अब मैं आपको एक बात और बता देती हूँ, अगर आपको मिल्क पाउडर ना डालना हो और उसकी जगह ये नारियल का बुरादा आधा कप आप डालेंगे, तब भी आपकी मिठाई ज़्यादा स्वादिष्ट बनेगी। इसमें एक बाइंडिंग आएगी और इसे कुक करने के लिए भी आपको कम समय लगेगा। तो अगर आपके पास नारियल का बुरादा ज़्यादा हो तो आप डाल सकते हैं, और अगर आपके पास थोड़ा सा खोआ हो तो आप खोआ भी डाल सकते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें ना हो तब भी आप इस मिठाई को सिर्फ और सिर्फ खजूर से भी बना सकते हैं, मतलब बहुत टेस्टी मिठाई आपको बहुत कम दाम में बनकर तैयार होगी। तो आप देख सकते हैं हमने लगातार चलाते हुए इसे हमने पका लिया है, और स्पैचुला पर थोड़ा सा जो मिश्रण लगा है उसे लेकर आपको इसका बॉल बनाकर देखना है। अगर ये आसानी से बन जाता है तो इसका मतलब आपका मिठाई का मिश्रण जो है वो तैयार हो चुका है। थोड़ा सा ये हार्ड हो जाएगा, मतलब जो पहले की कंसिस्टेंसी थी उससे ये थिक हो जाएगी, एक बिल्कुल डो की तरह होने लगेगा, पैन को छोड़ने लगेगा। अब हमें इसे हल्का सा ठंडा कर लेना है, क्योंकि इसे हम हैंडल नहीं कर पाएंगे, ये काफ़ी गर्म है। तो हल्का ठंडा करने के बाद ही हमें इसे एक प्लास्टिक के पेपर पर डालना है,
आप यहाँ पर प्लास्टिक के पेपर की जगह बटर पेपर या पार्चमेंट पेपर भी ले सकते हैं, लेकिन प्लास्टिक का पेपर हर घर में मौजूद होता है जो कि हर कोई यूज़ कर सकता है। तो इसके ऊपर हमने थोड़ा सा तेल लगा लिया है और अब ये हल्का ठंडा हो चुका है, तो हमें इसके पोर्शन बनाने हैं, इसे डिवाइड करना है, क्योंकि आज हम बिल्कुल बाजार जैसे एक खजूर रोल बना रहे हैं, तो हमें इसके पतले पतले रोल बनाने हैं। तो आप देख सकते हैं जैसे हम इसे रोल कर रहे हैं इस पर कितनी अच्छी शाइन आ रही है, और जब ये मिठाई आप अपने मेहमानों को खिलाएंगे ना तो कोई यकीन नहीं करेगा कि ये घर पर बनी है। तो आप देख सकते हैं हम इसके बिल्कुल पतले पतले रोल बना रहे हैं। आप ये जो डिज़ाइन है मीन्स रोल हो गया या फिर इसका जो शेप हो गया आपके मन चाहे आकार का दे सकते हैं, जैसे कि आप इसके बॉल्स बना सकते हैं, इसके पीसेस बना सकते हैं। मैंने इसके रोल बनाए हैं और रोल बनाने के बाद आपको प्लास्टिक पेपर के साथ ही कटिंग बोर्ड पर लेकर इसे फ्रिज में रखना है, क्योंकि उठाने में आपको आसानी होगी। तो चलिए, हमने इसे फ्रिज में रख दिया था लगभग 1 घंटे के लिए और ये बहुत अच्छे से सेट हो चुके हैं। सेट करने के बाद ही आप इसे काटें ताकि इसका जो शेप है वो अच्छे से आएगा, मतलब ये अच्छे से सेट होने के बाद बहुत अच्छे से इसकी कटिंग होगी। तो आप देख सकते हैं इसी तरीके से आपको सारे रोल्स काट लेने हैं और इसके बाद हम इसे रोल करेंगे पॉपी सीड्स मीन्स खसखस के ऊपर, लेकिन खसखस को आपको पहले ड्राई रोस्ट कर लेना है तभी इसका टेस्ट अच्छा आएगा। और आप यहाँ पर इसे इस तरीके से रोल करके सारे मिठाई तैयार कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये मिठाई कितनी सुंदर दिख रही है, बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी भी लगती है। ना तो आपको इसमें शक्कर डालने की ज़रूरत है ना ही खोआ डालने की ज़रूरत है, फिर भी ये बाज़ार की महंगी मिठाई जैसी लग रही है। और आप इसे मिठाई के डब्बे में पैक करके आपके मेहमानों को भी त्योहारों में गिफ्ट कर सकते हैं। चलिए, आप इसको अब हम इसे तोड़कर दिखाते हैं। तो ये देखिए कितनी ज़बरदस्त मुंह में घुल जाने वाली मिठाई बनकर तैयार हो चुकी है। तो आज की ये रेसिपी आपको कैसे लगी हमें ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा।